we begin the broadcast with big news as far as an unfortunate incident that has transpired in Mumbai. In fact, heavy rush at Bandra station leads to stampede. Massive crowd leads to stampede. You're looking at the horrific visuals on your screens at the moment. In fact, let's tell you, 9 people have been injured in this particular stampede. 2 people in critical condition at the moment. But as we continue to get you more details, let's tell you, massive crowding is what we're given to understand that led to this particular stampede incident. In fact, 9 people injured in the stampede, while 2 people in critical condition at the moment. But my colleague Atul has more details as far as this is concerned. Let's listen in. दिवाली और छठ पूजा के लिए बड़े पैमाने पर जो प्रवासी लोग मुंबई में रहते हैं वो अपने अपने गांव के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए लंबी दूरी की जो ट्रेनें होती हैं उसे पकड़ते हैं और ऐसे समय में मुंबई के अलग अलग जो टर्मिनस है जहां से ये ट्रेनें निकलती हैं वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है और ऐसी तस्वीरें मुंबई के बांद्रा टर्मिनस जहां पर हम मौजूद थे वहां पर सुबह 6 बजे के करीब देखने को मिली है। वहां की तस्वीरें अब आपको लाइव दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे के करीब वो हादसा बताया जा रहा है जिसमें करीबन 9 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, उन्हें पास के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय बताया जा रहा है कि बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी थी और यहीं पर वो भगदड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा, कई गुना ज्यादा यहां पर जो लोग थे पैसेंजर्स वो पहुंच गए थे और इसकी वजह से जो कंट्रोल करना था लोगों को, पैसेंजर्स को, वो मुश्किल हो गया था। और खासतौर पर जो सबसे ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें भगदड़ की वजह से लोग घायल हुए हैं, वो जनरल बोगी में बैठने को लेकर हो गया था क्योंकि सबसे ज्यादा रश होता है। लंबी लाइनें प्लेटफॉर्म पर ही सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही देर रात से लगा दी जाती हैं और लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि जैसे जो खड़ा होता है जनरल बोगी में उसे एंट्री का मौका मिलता है। और उसी के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें करीबन 9 लोग घायल हो गए थे। अभी फिलहाल यहां पर अगर आप देखें तो राइड कंट्रोल पुलिस के साथ साथ जो मुंबई पुलिस और आरपीएफ के जो जवान हैं वो फिलहाल आपको यहां पर प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए दिखाई देंगे ताकि जो दूसरी ट्रेनें हैं यहां से निकलने के लिए जो उत्तर प्रदेश और बिहार जाती हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहां पर जो पुलिस के कर्मी हैं, आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो नजर आ रहे हैं।